टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत तख्त और ताज नहीं मिलती। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होती। हमारे देश में कई ऐसे महान शख्सियत रहे हैं जिन्हें किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद के बल पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। खली महाबली, द ग्रेट खली, आपके और हमारे खली हमारे भारत का पताका ना केवल देश में फहराते हैं, उन्होंने बल्कि विदेशों में भी हमारे देश का झंडा ऊंचा करा है। आज उनका जन्मदिन है और आज हम उन्हीं के जीवन से सीखेंगे कि आखिर कैसे हारने के बावजूद भी, फर्श पर गिरने के बावजूद भी हम अर्श पर चढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं नितिश ठाकुर। वैसे तो खली एक बहुत महान खिलाड़ी हैं, उनके डंके देश विदेश में बजते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर सुहानी सुबह आने से पहले एक काली अंधेरी रात होती है। उनके जीवन में भी ये सब कुछ चकाचौंध आने से पहले एक अंधेरी रात थी। उनका जन्म 27 अगस्त 1972 में हिमाचल प्रदेश के घिराइना नाम के गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ज्वालाराम था, जो कि खेतों में काम करके अपना घर चलाते थे। लेकिन खली कुल 7 भाई बहन थे, ऐसे में एक आदमी कमाई कर पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता, इसलिए उनकी माँ को भी मजबूरन काम करना पड़ा था। खली भी परिवार के हालातों को देखते हुए ज्यादा समय तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। अंत में उन्हें गांव में ही मजदूरी करनी पड़ी। गांव के लोग उनकी बॉडी और हाइट का फायदा उठाते थे और उनसे भारी भरकम काम करवाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने शिमला की ओर रुख किया और शिमला में जाकर के उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। उसके बावजूद भी उनके डाइट के खर्चे नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद शिमला घूमने आए पंजाब पुलिस अफसर की नजर खली पर गई और उन्होंने 1993 में खली को पंजाब पुलिस में नौकरी दिलवा दी। लेकिन खली का मन इतने में कहां भरने वाला था, तो उन्हें जलंधर के जिम में रेसलिंग के लिए तैयार किया गया। और काफी समय तक तैयारी करने के बाद सन 2000 में खली अमेरिका पहुंचे और वहां उन्होंने ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया। यहां तक कि सन 2001 में खली की मार की वजह से ब्रायन ऑव नाम के एक रेसलर की मौत तक हो गई थी। 2 जनवरी 2006 को WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले द ग्रेट खली इकलौते भारतीय खिलाड़ी बने, जिसके बाद उन्होंने 10 मिनट के अंदर अंडरटेकर को हराकर सबका ध्यान अपनी ओर किया। उसके बाद बटीस्टा जैसे महान खिलाड़ियों को लगातार उन्होंने पटकनी दी। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनका इंस्टाग्राम पे क्यूट प्रोफाइल अच्छी लगती है या फिर आप उन्हें एक खूंखार रूप में ही देखना पसंद करते हैं।